देखेंगे हम लोग प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदले। साधारण भिन्न का मतलब हो गया भिन्न का जो होता है भिन्न, अगर भिन्न बोले ठीक है ना, भिन्न भिन्न बोले तो अंश बटे हर, क्या होता है अंश बटे हर। तो साधारण बोले तो जो भी होगा उसको काट के जितने सिंपल प्रारूप में एकदम छोटा से छोटा रूप में क्या करना लाने का प्रयास करेंगे साधारण भिन्न में, ठीक है ना। तो जैसे कि लिखा है एक नंबर में कि 35%, कल भी बताए थे हम इसके बारे में है ना, 35%, ठीक है ना, वो दशमलव में निकालने बताए थे, इसको हम लोग भिन्न में ही छोड़ देंगे। भिन्न मतलब क्या होता है, अंश बटे हर में ही छोड़ देना है। जैसे 35% है तो इसको लिखेंगे 35/100, प्रतिशत का मतलब होता क्या है, बटे 100 होता है ना, 35/100 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो 7 बार में, 5 से कटाएंगे तो कितने बार, 20 बार में, तो ये क्या हो गया 7/20, कितना हो गया 7/20, यही हो गया आपका साधारण भिन्न। क्या हो गया साधारण भिन्न। अब देखेंगे कि मान लिया दिया है 2 नंबर में, कितना दिया है 1.6%, ठीक है ना। तो एक ये दशमलव वाला है, क्या है दशमलव वाला है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सबको सॉल्व एक ही जैसा करेंगे, 1.6 और प्रतिशत का मतलब हो गया नीचे 100, ठीक है। अब ये पॉइंट को उड़ा देंगे तो नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा ना, तो कितना हो गया 16/1000 हो गया। अच्छा 4 से इसको कटाएंगे तो 4 बार में, और 4 से कटाएंगे तो ये 25 और 0 250 बार में कटेगा। फिर अगर इसको कटाएं 4 से, कितने से 4 से, तो एक बार में ये 6 बार में और कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को 2 से कटाना पड़ेगा, किससे कटाना पड़ेगा 2 से। मान लिया ये लिखे 4/250, अच्छा 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, 2 से कटाएंगे तो 125, कितना आ गया 2/125, यही हो गया आपका साधारण भिन्न। क्या हो गया साधारण भिन्न। फिर अगर हमको ये बनाना है, देखेंगे क्या है 3 नंबर में, कितना है 0.5%, 0.5%, तो इसको अगर साधारण भिन्न में लाएंगे है ना, इसको साधारण भिन्न में लाएंगे तो क्या करेंगे 0.5/100, ये फिर पॉइंट अगर उड़ा दिए तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, बात समझे। अब क्या हो गया ऊपर में 5/1000, ठीक है, 5 से कटाएं तो कितने बार में, एक बार में, और 5 से कटाएं तो 20 बार में, कितना हो गया 200 बार में, तो कितना हो गया 1/200, ठीक है, ये क्या हो गया साधारण भिन्न। कितना ये साधारण भिन्न में बदल दिए इसको। अब देखेंगे कितना है 125%, कितना है 125% है, ठीक है ना। अब देखना है इसको अगला, 125% को साधारण भिन्न में बदलेंगे, ध्यान से देखना, 125 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है नीचे 100, प्रतिशत का मतलब नीचे 100। अब इसको अगर कटाते हैं, चलो 25 से ही कटाएं तो ये 5 बार में आ रही है, 4 बार में, कितना हो गया 5/4, तो ये आपका हो गया साधारण भिन्न। क्या हो गया साधारण भिन्न। और क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए, आप लोग इसको बनाइए, दे रहे हैं क्वेश्चन। बन जाएगा इतना क्वेश्चन को क्या कर लेना है आप लोग को, बना लेना है, इसको उतार लीजिए।